कि आप गूगल मैप में लोकेशन को सेव कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आप कहीं भी गए हों उस लोकेशन को सेव करना, ठीक है। तो आप गूगल मैप को ओपन कीजिए, उससे पहले डाटा चालू कर लीजिए, ठीक है, बिना डाटा के तो काम ही नहीं होगा। अब जैसे कि कोई लोकेशन में जाना है आपको, ठीक है ना, किसी भी जगह, तो उससे पहले जैसे मेरे को जाना है रीवा स्टेशन, तो मैं मान लीजिए भूल जाऊंगा, या कोई और भी ऐसी जगह जहाँ पे याद ना हो रह पाए, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा रीवा रेलवे स्टेशन, इसको मैं सेलेक्ट किया ऐसे। मान लीजिए मैं रीवा स्टेशन में हूँ तब का, तो अभी तो मैं घर में हूँ इसलिए नहीं दिखा सकता, ठीक है। रीवा स्टेशन आ गया, अपन ढूंढ लिए। अब यहाँ पे सेव का बटन दिया है, सेव में क्लिक करेंगे तो फिर सेव कर सकते हैं। ये चारे ऑप्शन दिए हैं, तो न्यू लिस्ट बना सकते हैं कि सेलेक्टेड एरिया ऐसा कुछ, तो यहाँ से न्यू नेम भी बना लिख सकते हैं लिस्ट बना के कि फेवरेट या गांव जो भी हो, ठीक है, सेव कर सकते हैं। ये मान लीजिए इस तरह से सेव नहीं करना है, आप करंट लोकेशन में है उसको सेव करना चाहते हैं, तो ये गूगल मैप ओपन कीजिए, करंट लोकेशन इस तरह से अपना है यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक बार ऐसे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे सेव पार्किंग लिखा है, एड मिसिंग प्लेस लिखा है, ठीक है, और भी कुछ ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो ये जो ऐसा लोकेशन है ना, ऐसे क्लिक करेंगे तो पहले से यहाँ पे ऑप्शन देंगे एक्सप्लोर सेव्ड, सॉरी इसी में ऐसे क्लिक कर देना है, लॉन्ग प्रेस, फिर सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा। बाकी प्रोसेस वही रहेगी सेव करने की, जो भी लिस्ट में सेव करने, जैसे लिखे मेरे फेवरेट, फेवरेट में से क्लिक किए, आज जो भी लोकेशन है, जैसे मौसी का घर हो गया, दोस्त का घर हो गया, तो लिख देते मेरा घर, लिख देता हूँ मेरा घर, क्योंकि मेरे घर का लोकेशन है। डन। और फिर देखना हो सेव सेव लोकेशन जो हमने सेव किया हो और जाना हो, जैसे मौसी घर या जो भी हो, तो मैप्स को इस तरह से ओपन करेंगे, यहाँ पे सेव्ड लिखा ना, सेव में से क्लिक करेंगे। अब फिर यहाँ पे लिस्ट फेवरेट में हमने ऐड किया था, तो इसमें क्लिक करेंगे और ये देख सकते हैं डायरेक्शन क्लिक करेंगे तो दिखा देगा जहाँ जहाँ पे हमारा मौसी घर सेव हुआ है, ठीक है ना। बस इस तरह से, बस इतने इस वीडियो में, मतलब वीडियो, धन्यवाद।